दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि YouTube पर शेड्यूल टाइम लगा के हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, मान लीजिए हमें करना तो था 6 तारीख का और कर दिया हमने 8 तारीख का कि 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गए, तो उसको किस तरीके से दोबारा से उसी टाइम में आपको सेट करना होता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक वीडियो है जो कि मुझे 25 को अपलोड करना था और उसका टाइम गलती से मेरे से हो गया 26 का। तो आज 25 है जुलाई, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक उसी के ऊपर बना रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ होता है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको अगर कोई दिक्कत होती है यूट्यूब पर ऐसी वीडियो अपलोड करने के बाद, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा तक देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जो मेरे फ्रेंड नए आए हैं मेरे वीडियो पे। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, उसके बाद में अपना यहाँ पे आप जो आपका www.studio.youtube.com पे आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे मोर पे ले लेना है, उसके बाद में आपको ऊपर ओके करना है यूट्यूब स्टूडियो पे। और जैसे ही जस्ट आपका ओपन हो जाता है यूट्यूब चैनल, तो जो पहली वीडियो होगी, जो क्योंकि अपकमिंग तो वही दिखाएगी जो फर्स्ट होगी, ठीक है। तो अपकमिंग जब शेड्यूल टाइम लग जाता है, उसके बाद आप वीडियो भी कोई दोबारा से अपलोड यूट्यूब पे नहीं कर पाते हो, ये दिक्कत और आगुन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम आते हैं अपने वीडियो में। कंटेंट पे आएंगे, कंटेंट का मतलब होता है अपनी वीडियो में। वीडियो में आने के बाद में आपको जाना पड़ेगा प्रीमियर टाइम पे, और प्रीमियर टाइम पे आपको आने के बाद में जैसे कि इसमें लिखा हुआ था टाइम 6, ठीक है, तो अब हो रहा है 10, तो टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो हम करते हैं 11 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक है जो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका टाइम डाल देते हैं यहाँ से, हम अभी टाइम है जो इसका स्टार्ट हो जाएगा, हम 10:45 का करते हैं या 11 का कर देते हैं, ठीक है। हमने 11 किया और तारीख के इसको सेट कर देते हैं जैसे कि 25, और कुछ ही टाइम में है जो हम दोबारा से इसको जो सेट वाले ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद में यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव कर दिया है और यहाँ पे शेड्यूल टाइम कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वीडियो था, अमेजन पैसे ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये वीडियो है, हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए 25 जुलाई मैंने कर दिया है, जबकि वो मेरा 26 को हो गया था। और उसके बाद में ये मैंने सेव कर दिया है, टाइम है जो चेंज हो चुका है, ठीक है। जो मेरी फैमिली मेम्बर ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, वो वीडियो को देखें, पूरा लास्ट तक देखें। और मैं इसमें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इसमें 45 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, 45। तो मैं थोड़ा बैक चलता हूँ और अपने YouTube में लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी वीडियो का जो शेड्यूल टाइम है वो चेंज किया था, अमेजोन से ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे करें, देखिए फुल प्रोसेस बाय इंदर सिंह ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और थोड़ा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, देखिए 11 AM मैंने अभी का डाला है, 5 मिनट बाद ये वीडियो जो अपलोड हो जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे अब यहाँ पे आएगी दोबारा से, मैं आपको ये टॉपिक पे दोबारा से लेके आ जाऊँगा। यहाँ से मैं थोड़ा इसको फास्ट कर देता हूँ या बीच में से कट कर देता हूँ थोड़ा वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं दोबारा से आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें इस तरीके से टाइम स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में शो हो रहा है। हमने सभी चीज़ें आपको दिखा दी हैं और हम आपको एक मैसेज भी दिखा देते हैं ऊपर, ठीक है। अपकमिंग वाला वीडियो वाला ये आ चुका है, देखिए पॉपअप देख रहे हैं, प्रीमियर वाला सेट है। तो ये अब वीडियो जो पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले हमारा गलती से जो हमने टाइम अलग लगा दिया था, एक दिन फालतू लग गया था, हमको लगाना था 25 का जबकि 26 तारीख हो गया था, ठीक है। तो अब मैंने वो सही कर दिया, दोबारा से आपने वीडियो में पूरा देखा है, अगर वीडियो पूरी देखी तो आपको पूरा समझ आएगा। लास्ट तक देखा करें वीडियो, कोई भी बीच में से मिस ना किया करें, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। सबसे पहली बात है कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं कमेंट सेक्शन में कभी कोई कमेंट नहीं करता, ऐसा क्यों है सर? क्योंकि अगर
किसी चीज़ की कोई अगर मेरे से कहते हैं ना कि कोई कमी रह रही हो, वीडियो सही नहीं बन रहे हो, तो आप बता सकते हो बीच में कि यार यहाँ से आप किसी चीज़ की मिस्टेक कर रहे हो, गलत बताते हो, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।